नॉर्मली हर्निया एब्डोमिनल कैविटी में होता है, चेस्ट में भी हो सकता है क्योंकि चेस्ट में भी एक कैविटी है। हर्निया मतलब देर इज अ गैप, यानी कैविटी, एंड उसके साथ में एक सैक है और उसका कंटेंट्स आ रहा है। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में बहुत कॉमन है क्योंकि बाय बर्थ वो पैराम्बिलिकल हर्निया आता है, मतलब वहाँ पे जो अम्बिलिकस हम कट करते हैं ना, वहाँ पे उस एरिया में अम्बिलिकस एरिया में पैराम्बिलिकल हर्निया आ सकता है। ये वुमेन को बहुत कॉमन है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद एरिया बहुत वीक रहता है, वो स्ट्रेच हो जाता है। उसके बाद बहुत ऑपरेशंस, एब्डोमिनल वॉल ऑपरेशंस भी करते हैं ना हम, इसी की वजह से वहाँ पे हर्निया हो सकता है, उसको बोलते हैं हम इंसिजनल हर्निया। और लड़कों को क्या होता है, वो जो टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर आता है, एक होल बनाता है, वो इनगोइनल कैनल बोलते हैं। वो इनगोइनल कैनल कभी भी वीक हो सकता है, वीक होने से डायरेक्ट इनगोइनल हर्निया हो सकता है, लेकिन बाय बर्थ जो हर्निया होता है वो बोलते हैं हम इनडायरेक्ट इनगोइनल हर्निया। तो ये अवॉइड करने के लिए हम बोलते हैं जब भी हर्निया है आप ऑपरेशन कर लो। सो ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम ये कैविटी को रीइंफोर्स करते हैं, मेश डालते हैं। ये दो तरीके से करते हैं, हम ओपन करके मतलब कट करके भी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी से करते हैं। तो हम इलेक्टिव ऑपरेशन करें तो ऑलवेज लैप्रोस्कोपी से करना हम भी चाहते हैं क्योंकि बड़ा डिसेक्शन नहीं होता है, जो सीरमा फॉर्मेशन, इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म स्टे इन द हॉस्पिटल, वो सब हम अवॉइड कर सकते हैं लैप्रोस्कोपिक या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करने से। सभी हर्निया कॉम्प्लिकेशंस में हम मोस्टली ओपन सर्जरी करना चाहते हैं, तो इसलिए हम सबको बोलते हैं जब भी हर्निया है एक डेट लेके इलेक्टिव ऑपरेशन करने से बहुत अच्छा रहता है। सो जिसको बहुत कॉफ हो सकता है, वो कॉफिंग करने से वो एरिया बहुत वीक होके स्ट्रेच हो जाता है, उसकी वजह से वो कंटेंट्स बाहर आ सकता है। जो बहुत लोग बहुत वजन उठाते हैं उनको भी ये वीक एरियाज में ओपन हो सकता है। विद ओवर 1 लाख मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड द फैसिलिटी टू टेलीकंसल्ट, experience clinic-like consultations on practice.